कर्ट एंगल जाने वाले AEW के अंदर, ब्रॉक लेसनर के मूव को किसने बताया सस्ता, और जाने के डेनियल ब्रायन बनने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भाई कौरव, एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम कुल मिलाकर 6 से 7 बड़ी खबरें कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ना जाने किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर की न्यूज के साथ। तो ब्रॉक लेसनर जो कि WWE से गायब है, हाल ही में दोस्तों उनके F5 को बताया गया है सस्ता। तो किसने ये चीज कही? ये चीज कही है दोस्तों WWE के फॉर्मर लेजेंडरी रेफरी यानी कि माइक शियोडा ने। माइक शियोडा के बारे में बोलूं तो गाइस, इससे पहले उन्होंने कई बड़े बड़े मैचेस में एज ए रेफ काम किया है। अब दोस्तों WWE के द्वारा वो निकाले गए हैं और हाल ही में उन्होंने ब्रॉक लेसनर के मूव को सस्ता बताया। उन्होंने बताया कि ब्रॉक लेसनर जो कि 220 के नाम से जाना जाता है, उनका मूव काफी बढ़िया है। F5 जब भी किसी को लगता है तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये जो मूव है ये सस्ता तब नजर आता है जब ये केन और अंडरटेकर जैसे बड़े सुपरस्टार्स को लगता है। बड़े से मतलब दोस्तों साइज में बड़े, आप जानते हैं दोनों सुपरस्टार लगभग 7 फुट के आसपास है। और बात की जाए माइक शियोडा की, तो उनके अनुसार जब भी ये मूव उन्होंने देखा है कि इन दोनों में से किसी एक को लगा है, उन्हें हर बारी ऐसा लगता था कि किक आउट हो जाएगा, और किक आउट होना चाहिए इस मूव के ऊपर जब भी ये इन दोनों बड़े सुपरस्टार को लगता हो। इससे अलावा दोस्तों हम जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो भी F5 खाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ब्रॉक लेसनर के मूव को बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ लगता हुआ दोस्तों माइक को ऐसा लगता है कि वो सस्ता मूव है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है जो बताएगा, हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बुकर टी से, जिन्होंने दे दिया है बॉबी लैशली को सैल्यूट। तो बॉबी लैशली को दोस्तों बुकर टी ने हाल ही में शाउट आउट दिया था एक वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों जो हमारे बुकर टी ये चीज बोले थे कि देखो जो लैशली है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और लैशली की जो हाल ही में जीत हुई है वो उनके लिए भी जीत है। यहाँ दोस्तों उनके लिए माना ब्लैक पीपल्स के लिए, आप जानते होंगे कि नहीं, आपको बताना चाहूँगा बॉबी लैशली केवल तीसरा आदमी है जो कि दोस्तों ब्लैक होते हुए चैंपियन बना है। इससे पहले द रॉक और कोफी किंगस्टन इकलौते, या फिर कह लीजिए दो इकलौते ऐसे रेसलर थे जो कि WWE चैंपियन हुए थे अमेरिकन ब्लैक होते हुए, और यहाँ दोस्तों लैशली तीसरे हैं। तो बुकर टी ने इसीलिए उन्हें ह्यूज शाउट आउट दिया था। वहीं दोस्तों जो लैशली, उनका रिएक्शन भी आ गया आज, उन्होंने ये चीज़ कही है कि ये थिंग मेरे लिए वर्ल्ड के समान है, जो मैं आप सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो बॉबी लैशली का रेन स्टार्ट हो चुका है, ऑलमाइटी एरा कैसी रहती है दोस्तों जानेंगे हम आगे आने वाले समय में। चलेंगे इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों निकी क्रॉस से। तो निकी क्रॉस दोस्तों हाल ही में हमें नहीं दिखाई दे रही WWE के अंदर, जिसके पीछे का यही रीजन है शायद से कि WWE उनका यूज नहीं करना चाहती। निकी क्रॉस के बारे में दोस्तों बताना चाहूँ तो निकी क्रॉस ने हाल ही में ट्विटर पर कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है। निकी क्रॉस ने ये चीज कही कि आज से ठीक 1 साल पहले कोरोना WWE को स्ट्राइक किया। वो समय था जब WWE एक लाइव इवेंट के दौरान था और मैं उसका पार्ट थी। काश मुझे उस वक्त पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं आखिरी बार फैंस को गुड बाय तो कह पाती। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल यहाँ नज़र आई है। फैंस को लेकर दोस्तों निकी क्रॉस काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और हम भी चिंतित है, क्योंकि दोस्तों जब से WWE के अंदर फैंस दिखने बंद हुए हैं, जब से दोस्तों ये थंडर डोम वाली थिंग आई है, तब से एक स्पाइस सा जो कि WWE के अंदर था वो गायब सा हो गया है। फैंस दोस्तों एक अलग ही भूमिका निभाते हैं। अब देखना होगा दोस्तों कब ये कोरोना वाली थिंग पूरे तरीके से ख़त्म होती है और कब फैंस लौटते हैं। हम चलते इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हैं दोस्तों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल से। तो कर्ट एंगल ने दोस्तों ह्यूज टीजर गिरा दिया बीती रात। दोस्तों कर्ट एंगल ट्विटर के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले पुरुष बन गए रेसलिंग की दुनिया में। कर्ट एंगल ने दोस्तों एक टीजर गिराया जिसके अंदर वो अपने पोशाक में दिखाई दे रहे हैं, और वहां दोस्तों उन्होंने अपने गोल्ड मेडल को भी पहना, मानो फाइट के लिए तैयार हो रहे हो। ये थिंग ठीक दोस्तों एवोल्यूशन के PPV से पहले आई है, जहां दोस्तों हमें ये चीज दिखाई जाने वाली है कि कोई ऐसा रेसलर जो कि हॉल ऑफ फेम वर्दी है वो डेब्यू करेगा। हमारे पॉल वाइट यानी कि बिग शो ने ये चीज बताई थी। अब गाइस क्या वो कट एंगल ही है या फिर कोई और, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो
रही है कि वो कर्ट एंगल ही है क्या। अब कर्ट एंगल मुझे लगता है कि हो सकते हैं, ये थिंग भी हो सकती है कि एक नहीं दो सुपरस्टार्स वहां दिखाई दे डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड्स दोस्तों इससे पहले भी एईडब्ल्यू के अंदर गए हैं, बहुत सारे गए हैं, और यहां दोस्तों कर्ट एंगल ने भी टीजर गिरा दिया। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज जो आज के बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक और जॉन सीना से। तो कौन होने वाला मॉडर्न डे का जॉन सीना, हाल ही में जवाब दिया एरिक बिशॉफ ने। तो एरिक बिशॉफ क्या बोले, एरिक बिशॉफ ये चीज बोले कि जॉन सीना जो है वो इस एरा का सबसे सक्सेसफुल सुपरस्टार रहा है, उसका जो नाम था वही टिकट्स बिकवा दिया करता था, और वो उन लोगों को भी रेसलिंग के प्रति आकर्षित किया जो कि रेसलिंग नहीं देखते हैं। ऐसे में बात की जाए इस वक्त की तो मुझे क्या लगता है कि आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ एक नाम ऐसा है, और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो दोस्तों उन्होंने किसी का नाम लिया ही नहीं, उन्होंने लिया है सिर्फ और सिर्फ कोडी रोड्स का नेम। तो एरिक बिशॉफ ने कोडी रोड्स को मॉडर्न डे दोस्तों जॉन सीना बताया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसीलिए कहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोडी जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि वो उन लोगों को भी रेसलिंग के प्रति प्रेरित करे, उन लोगों को भी मजबूर करे जो कि रेसलिंग नहीं देखते हैं। अब दोस्तों क्या आपको कोडी रोड्स जॉन सीना जैसे लगते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। वह इस मेन खबर जो आज की हमारी छुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों यस मूवमेंट के मालिक यानी कि डेनियल ब्रायन के चैंपियन बनने से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्ट लेन कब होने वाली है। तो गाइस फास्ट लेन हमें 22 मार्च को देखने को मिलने वाले, ठीक दो हफ्ते बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगी। और बात करूं फास्ट लेन की, फास्ट लेन में दोस्तों बीते कल एक बड़ा मैच कंफर्म हो गया है। सेकंड मैच जो कंफर्म हुआ है फास्ट लेन में ये होने जा रहा हमारे डेनियल ब्रायन वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के मध्य, जहां दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियनशिप दाव के ऊपर होगी। यहां दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा ये दोस्तों 2015 में भी हुई थी फाइट, लेकिन उस वक्त हमारे रोमन जो थे वो हीरो थे, फेस थे, लेकिन इस वक्त दोस्तों वो विलन बन चुके हैं। और बात की जाए दोस्तों ट्राइबल चीफ की तो उनका रेन काफी बढ़िया चल रहा है। सवाल उठता है कि रोमन रेंस का जो ये रेन है क्या ये खत्म होने वाला है फास्ट लेन में, क्या डेनियल ब्रायन चैंपियन बनने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस वक्त दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू काफी ऊपर नीचे जा रही है। इस बीते हफ्ते दोस्तों हमने कई ऐसी थिंग्स देखी जो कि दोस्तों हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज से ठीक दो हफ्ते पहले बॉबी लैशली ने डाउन द रोड द मिस को हरा दिया, जो कि काफ़ी शॉकिंग डिसीजन था। डब्ल्यूडब्ल्यू दोस्तों बताई जाती है कि काफ़ी शॉकिंग डिसीजन लेती है, और हमने पास में कई बार ऐसा देखा भी है कि डाउन द रोड रेसलमेनिया से पहले टाइटल चेंज हो गया। डेनियल ब्रायन दोस्तों इससे पहले कई बड़े अपसेट दिए हैं, कई ऐसी थिंग्स उन्होंने की है जो कि लोगों को शॉक किया। लेकिन क्या फास्ट लेन वो तारीख होने वाली है, क्या 22 मार्च को रोमन डेनियल से हार जाएंगे? तो जवाब है दोस्तों जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसके पीछे दोस्तों दो बड़े फैक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों रोमन रेंस को इस साल रेसलमेनिया मेन इवेंट करना है। तो बताया यही जा रहा है रोमन रेंस का जो हील अवतार है ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ दोस्तों पैसा, या फिर कह लीजिए दोस्तों इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन भी काफी सॉलिड लग रही है, क्योंकि रोमन जो है खुद को नेता बताते हैं, खुद को कबीले का मालिक बताते हैं। ऐसे में दोस्तों उन्होंने एक इगोइस्टिक कैरेक्टर ले लिया है। वहीं बात की जाए दूसरे बड़े रीजन की, तो गाइस वो है डेनियल ब्रायन का इस वक्त हाल। तो डेनियल ब्रायन दोस्तों इस वक्त ऐसे नहीं है कि काफी सॉलिड है, इससे पहले उन्होंने सिजारो से भी मात खाई है। इवेंचुअली दोस्तों उन्होंने इस मैच में इसीलिए डाला गया ताकि रोमन रेंस का हील कैरेक्टर और भी ज्यादा हीलिश लगे, क्योंकि डेनियल सुपर बेबी फेस है। इसलिए दोस्तों ये मैच होना है, और इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि डेनियल के कोई चांसेस है जीतने के। हालांकि बात की जाए ट्राइबल चीफ की, तो मुझे लगता है ट्राइबल चीफ वर्सेस एज होकर रहेगा। और गाइज आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे सो बताएगा। आज के वीडियो इतनी, पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।